हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत और पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर कथा सुनाई। एक गांव में शिकारी रहा करता था, पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वो एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाकर वचन देता हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है। दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल भी था। शिकारी शिकार के लिए एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर जा बैठा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता भी न था। पड़ाव बनाते समय जो टहनियां तोड़ी थी, संयोग वश वो शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और बेल पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित हो गए। एक पहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करके लौट आऊंगी। एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो यह सब ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक मृगी और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारदी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक पड़ा, चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने ये स्वर्णिम अवसर है ऐसा जानकर अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारथी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके वापिस लौट आती हूँ। इस समय मुझे मत मारिए। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करें, मैं इनके पिता के पास छोड़कर आपके पास तुरंत ही लौट आऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई एक हष्ट पुष्ट मृगी उसी रास्ते पर आई। शिकारी ने सोच लिया कि उसका शिकार वो अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ और पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा कीजिए। मैं उनसे मिलकर जल्द ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था।
भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष बाण तथा उसके हाथ से सब चीजें सहज ही छूट गए थे। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया था। अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया था ताकि वो उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिकता, प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मृग परिवार को न मारकर शिकारी अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा करके सदा के लिए कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी हमारी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली शिकारी की शिवरात्रि की पावन कथा। आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।